हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम जमशेदपुर के एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस सतनाला डैम जा रहे हैं। ये डैम यहाँ के नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है। आप देखिएगा कि यहाँ का नेचुरल ब्यूटी और ग्रीनरीज इतने अच्छे हैं कि आप एकदम इसमें खो जाइएगा। तो हमारे साथ चलिए हमारे सफर पर। आप देख सकते हैं हमारे सामने ये रहा सतनाला डैम का बोर्ड। यहाँ से मेन गेट है। अब हम लोग यहाँ से जो है बाईपास रोड जो है इससे हटकर सतनाला डैम के रास्ते में जा रहे हैं। यहाँ से ऑलमोस्ट हाफ एन किलोमीटर पड़ता है सतनाला डैम। आप अभी से मेरे सामने देख सकते हैं ये ग्रीन ग्रीन पहाड़ीज, ये जो वैली है ये पूरा ग्रीन वैलीज है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ के जो व्यूज़ हैं बस देखते बनता है। कभी भी आप अगर जमशेदपुर आना हुआ तो हम सजेस्ट करेंगे कम से कम एक बार आप इस डैम पे विजिट जरूर करें। हाँ, थोड़ा दूर पड़ता है और चढ़ाई भी आगे है, तो आगे हम दिखाएंगे कि ऊपर में किस तरह चढ़ाई होता है। ये जो रास्ते हैं ये दोनों तरफ से पहाड़ियों से घिरे हुए, आप यहाँ आए ये हम पहुँच चुके। अब यहीं पे हमको गाड़ी पार्क करनी होगी क्योंकि यहाँ से आगे गाड़ी ले जाने की इजाज़त नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे गाड़ियाँ पार्क है और हम अब आगे बढ़ रहे हैं अपने मंजिल की तरफ, सतनाला डैम का तरफ। वो जो मेन डैम का पोर्शन है वो ऊपर में है। अब यहाँ से हमको चढ़ाई करना पड़ेगा। हम अपनी चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ये सामने देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। वाह माशाल्लाह, यहाँ से सामने जो पहाड़ी देख रहे हैं उसे काट कर ही ये डैम बनाया गया है। आप आगे देखिएगा कि पहाड़ को किस तरह से काटा गया। आप ये दूसरे साइड का नज़ारा देखिए, ग्रीनरीज देखिए, इतने खूबसूरत है। ये सारे नेचुरल वैली हैं। यहाँ आने के बाद मन खुश हो जाता है। ये रहा हमारा शहजादा सामने जा रहा था। ये देखिए ये जो रास्ते हैं यहाँ से ठीक ऊपर जाएंगे। ये थोड़ा सा लंबा रास्ता है, लगभग ये 100 100 मीटर का रास्ता होगा। लेकिन वहाँ जाते जाते आदमी थक जाता है, लेकिन वो इतनी खूबसूरत होती है कि एहसास नहीं होता है। आप यहाँ आए तो एक काम जरूर करें, अपने साथ एक वाटर बोतल जरूर लाएँ क्योंकि यहाँ प्यास बहुत लगती है चढ़ने में, तो पानी लाएंगे तो बेटर है। आप ये देख रहे हैं हम ये सीधा अपने मंजिल की तरफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये हम आपको साइड का व्यू दिखाते हुए जा रहे हैं। यहाँ से जब पानी ओवरफ्लो होता है डैम का तो ये जो साइड में जो ये पहाड़ी काट के जो बनाया गया है डैम, इसमें से बह के नीचे आता है। आप देख सकते हैं यहाँ से पानी ऑलरेडी बह रही है और वो नीचे जा रही है। ये देखिए यहाँ पर आगे देखिए, हम और भी करीब से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे आगे कि ये कितनी खूबसूरत लगती है। स्लो मोशन में यहाँ से पानी यहाँ से गिर रही है। ये देखिए हम सामने में ले जाकर आपको एकदम सामने से फ्रंट व्यू दिखाते हैं कि किस तरह से ये जो पानी है डैम का, ये जब ओवरफ्लो होता है, अभी बरसात का सीजन है, रेनी सीजन, तो ये जब ओवरफ्लो हो रहा है तो ये ऐसे करके एकदम धीरे धीरे बह के ऊपर से नीचे तक ऐसे ये पूरा नाले में चले जाते हैं। उधर जो है तो ये सात को अलग अलग नाला है। ये रहे हमारे शहजादे साहब, ये भी यहाँ फोन चेक कर रहे। भाई साहब आगे बढ़ो। हाँ, तो आप जैसा कि आपने देखा, ये देखिए हम साइड व्यू के दिखाते हुए आपको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, जहां आप ऊपर का जो देखिएगा सामने का जो व्यू देखिएगा वो बस देखते रह जाइएगा, इतना खूबसूरत है। हम धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ रहे हैं क्योंकि गर्मी भी है, बरसात के टाइम है, कब बारिश आ जाएगी पता नहीं, हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि बादल भी दिखाई दे रहे हैं और गर्मी भी लग रही है। और बैड लक ये है कि हम वाटर बोतल भी अपना गाड़ी में भूल गए हैं, जो उस गाड़ी में आए हैं उसकी डिग्गी में ही रह गया। तो जैसा कि मैंने कहा, आप मत भूलिएगा, हमारे साथ रहिए। ये हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ ही आइए ऊपर की तरफ। ये देखिए इतने खूबसूरत व्यू, इतने खूबसूरत व्यू कि आपके दिल में समा जाएगा। आप यहाँ एक बार आएंगे बार बार आने की कोशिश चाहेंगे। अभी भी हम एक बात बताना भूल गए, ये डैम अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, यहाँ अभी भी काम चल रहा है और इसको बनने में अभी तकरीबन 1 से 1.5 साल और लगेगा कंप्लीट होने में। ये अभी कंस्ट्रक्शन फेज में तो इतना खूबसूरत है। अब देखिए ये जो रहा ये हमारा ऑलमोस्ट डैम के ऊपर में आ गया है, पोर्शन ऊपर का है जहाँ से पानी, ये जो वो एक्सेस पानी होता है जो डैम भर जाता है बरसात के टाइम, तो यहाँ से फ्लो ऐसे निकलता है ढाल के टाइप से नीचे जाता है। यहाँ पे कुछ शैतान बच्चे देख सकते हैं आप नहाते हुए इस पानी में, जाना मना है क्योंकि बहुत फिसलन होती है, आप कभी आए तो वहाँ मत जाए। ये रहे डैम के दूसरा साइड का, ये जो आप नीचे का नज़ारा देख रहे हैं हम वहीं से आए हैं, ये जो पूरा नीचे से ऊपर तक की चढ़ाई है हम वहीं से आए हैं। अब ये देख सकते हैं ये जो वाटर लेवल है वहाँ से पानी निकलता है। हम ऑलमोस्ट ऊपर आ चुके हैं, आपको ये 360 डिग्री व्यू दिखा रहे हैं। यहाँ से आप दूसरे साइड का भी देखें, आप एकदम आप टॉप पर आ गए हैं जहाँ पर आपको एकदम पूरा क्लियर व्यू दिखेगा इस जगह का।
जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, ये रहा, ये फाइनल लेबल है पानी का, यहाँ से ओवर होने से ये नीचे जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये साइड में जो है ये फाइनल लेबल है। आप ये देखें पानी, आप डैम का वाटर देखें कितना स्मूथ खूबसूरत दिख रहा है, पहाड़ी से लगे हुए उस साइड में जो है कंक्रीट के दीवार बन। तो फाइनली हम डैम के ऊपर हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं डैम को, इसकी खूबसूरती को हम ज़्यादा कहेंगे नहीं, आपको 360 डिग्री व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। ये देखिए, ये जो है हम यहाँ से 360 डिग्री देखा, ये फ्रंट पोर्शन है डैम का। आप सामने देखिए 1 2 3, आप काउंटिंग कर सकते, 3 पहाड़ी एक साथ में, वो भी वाटर लेवल का बीच से। उफ, क्या नज़ारा है, मतलब देखकर इतना जो नीचे से ऊपर आए ये थकान मिट जाता है इस जगह में आके। बहुत अच्छी हवा चल रही है, हाँ थोड़ा बादल लगा हुआ है, डर भी लग रहा है कि कब बारिश स्टार्ट हो जाए, पता नहीं, लेकिन फिर भी ये देखिए, ये उसका अपोजिट डायरेक्शन को देखिए, ये थोड़ा बादल की वजह से अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, लेकिन ये पूरा इतना खूबसूरत लगता है, ग्रीन ग्रीन पहाड़ीज हैं, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, इतना नेचुरल व्यू है, मतलब यहाँ किसी भी तरह का आपको अनकम्फर्टेबल नहीं लगेगा कि हाँ लोग कैसे तोड़ मरोड़ के बनाए, नेचर के साथ खिलवाड़ किया, इतना खूबसूरती से बनाए हुए। ये देखिए पहाड़ी पे इतने सारे पौधे हैं, इतने सारे पेड़ हैं, मैं ऊपर भी एक्सप्लोर करके आया हूँ, आपको वीडियो नहीं दिखा सकता। आप सामने देखिए, ये जो व्यू है सामने का, ये एकदम मतलब कह नहीं सकते हैं, इतना अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद। कुछ लोग नीचे जाके भी पानी में थोड़ा सा ये करते हैं, इंजॉय करते हैं, वो वाटर इंजन नीचे जाना मना है, फिर भी लोग देखिए बच्चों के साथ ही चले जा रहे, पूरी पत्थर की स्लाइडिंग की हुई है, रॉपन स्टोन ब्लॉक रखे हुए हैं, लोग वहाँ से चढ़ के नीचे जाते हैं। यहाँ देखिए छोटे बच्चे ऊपर में खेल रहे हैं, आप बता नहीं सकते, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, इतना मेसमराइजिंग है। आप हमारे पीछे में बादल की आवाज़ भी सुन सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट बारिश आ चुकी, बहुत ज़ोर से आई और हम भीग गए, हमें अपना ब्लॉग यहीं रोकना पड़ा। आप कुछ फ़ोटोज़ देख सकते हैं, क्योंकि इससे आगे मेरे पास और वीडियोस है नहीं, क्योंकि इतनी तेज़ की बारिश आई कि हम भीगते हुए फिर नीचे गए हैं, पूरा तरह से भीग गए, फंस गए वहाँ, लगभग ऑलमोस्ट 1 घंटे तक वहाँ रास्ते में फंसे रहे बारिश छूटने के वेट में। होप सो आपने इन्जॉय किया होगा, थैंक यू फॉर द